नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल बागड़ी फ्रॉम अचरोल। इंग्लिश एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो नरेशन पढ़ रहे थे हम पिछली क्लासेस में। नरेशन के रूल्स पढ़ लिए थे, नरेशन की डेफिनेशन भी पढ़ लिए थे, रूल्स भी कुछ स्टार्ट हो चुके थे रूल्स के बारे में कि कौन कौन से नियम है नरेशन के। तो आज पढ़ेंगे हम प्रोनाउन संबंधित चेंजेस क्या होते हैं, यानी पर्सन संबंधित हम पढ़ लिए थे कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा और थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा। आज पढ़ेंगे पर्सन, यानी पर्सन्स किस प्रकार चेंजेस दे, उसकी इंडेक्स क्या होती है, क्या फॉर्मेट होता है पर्सन चेंज होने का, यानी कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं। जो सबसे पहले हम चेंज पर्सन के बारे में देखो, सबसे पहले एक इंडेक्स बनाते हैं, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो देखो सबसे पहले आएगा पर्सन। अब पर्सन आप जानते हो कितने होते हैं, इंग्लिश में तीन पर्सन होते हैं। कितने? तीन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, पर्सन होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में बात करें तो तीन प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है दोस्तों, पर्सन की जानकारी आपको हो चुकी है। अब बात करें, एक होता है इसमें सब्जेक्टिव। क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है एक, यानी सब्जेक्टिव काज होता है सब्जेक्टिव। एक होता है ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट में आता है। पर्सन तीन प्रकार के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब एक है इसका सब्जेक्टिव भी होता है पर्सन का, और एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो सब्जेक्टिव की बात करें तो आई, और कौन सा? वी। ये होते हैं सब्जेक्टिव, यानी जो पर्सन होते हैं तीन प्रकार के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो वो सब्जेक्टिव में आई और वी आएंगे। और सेकंड पर्सन की बात करें, इसमें अकेला कौन आता है? यू आता है। और थर्ड पर्सन की बात करें, इसमें मैंने बताया कि शी, ही, इट, दे और नेम्स आते हैं। क्या आते हैं? नेम्स। ये किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में, शी, ही, इट, दे और नेम्स। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन की बात कर ली। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका, सॉरी, इसको मैं दोबारा लिखता हूं। फर्स्ट पर्सन को इसमें दो बना लेता हूं मैं, एक आई और एक वी। ठीक है, अब आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है। क्या होता है दोस्तों? मी होता है। और वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस। ध्यान से देख लेना कि आई फर्स्ट पर्सन है और वी भी फर्स्ट पर्सन है। आई का ऑब्जेक्टिव काज मी होता है और वी का ऑब्जेक्टिव काज क्या होता है? अस होता है। यू का यू ही रहता है, यू का क्या रहता है? यू ही रहता है ये। और शी की बात करें, इसके भी हम बॉक्स बना लेते हैं। नेम का छोड़ देते हैं क्योंकि नेम में कोई बदलाव नहीं होता, नेम का नेम ही। तो शी का ऑब्जेक्टिव कास्ट क्या रहेगा? हर रहेगा। क्या? हर। ही का क्या होगा? हिम। इट का क्या रहेगा? इट। दे का क्या रहेगा? देम। ये इसके क्या हो गए? ऑब्जेक्टिव। अब बात करें पजेसिव की। एक होता है पजेसिव, एक क्या होते हैं? पजेसिव। डायरेक्ट नरेशन की बात करें, हम नरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। यदि प्रोनाउंस पढ़ते हम, क्या प्रोनाउंस पढ़ते, हम नरेशन की बात कर रहे हैं अभी, तो नरेशन के अकॉर्डिंग ही इस इंडेक्स को समझेंगे, आगे एक्स्ट्रा नहीं ले जाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में, फ्यूचर में, जो प्रोनाउंस की अलग से क्लास होगी उसमें अच्छे से और भी बड़ी है इंडेक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग समझा दिया जाएगा। अब बात करें पजेसिव की।
जो नरेशन में काम आते हैं उतना ही काम मिलेंगे, यानी 12th तक या फर्स्ट ईयर का जो कंपलसरी का पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग जो ये इंडेक्स है उसको अच्छे से ध्यान दे लेना कि पजेसिव। अब ध्यान पजेसिव की बात करें, पजेसिव भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, यानी एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो हम केवल नरेशन में काम आने वाले वही पढ़ रहे हैं, इसके आगे अन्यथा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा खराब होगा। इस कारण मी का हो जाएगा माई और अस का हो जाएगा आवर्स, यू का योवर्स, यू का क्या हो जाएगा योवर, हर का हरी रहेगा, हिम का क्या हो जाएगा हिज हो जाएगा, इट का क्या हो जाएगा इट्स हो जाएगा, और देम का क्या हो जाएगा देयर। ये चीज ध्यान दे लेना कि पर्सन तीन प्रकार के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नरेशन में बात करें या इंग्लिश ग्रामर में पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव जो काज होते हैं वो आई और वी होते हैं। क्या होते हैं? आई और वी होते हैं। और सेकंड पर्सन में सब्जेक्टिव काज क्या होता है? यू रहता है। और थर्ड पर्सन की बात करें, शी ही इट दे नेम्स, नेम्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये ऐसे कैसे आएगा। अब बात करें इनका ऑब्जेक्टिव, यानी आई का ऑब्जेक्टिव काज क्या होगा? मी होगा। वी का ऑब्जेक्टिव काज क्या होगा? अस होगा। यू का ऑब्जेक्टिव काज यू ही रहता है। शी का ऑब्जेक्टिव काज हर, ही का हिम, इट का इट, दे का देम। और पजेसिव की बात करें, पजेसिव में आई का माई, वी का आवर, यू का योवर, शी का हर, ही का हिज, इट का इट्स और दे का देयर। ये चीजें ध्यान रख लेना ये अच्छे से कि हम नरेशन में किस प्रकार चेंज करेंगे। अब देखो चेंज करना सीखेंगे कि किस प्रकार चेंज होता है। तो देखिए आइए चेंज करते हैं, मैं इसे नीचे वालों को या ऊपर से मिटाने देता हूं, यहां से चलो इसको लिख लिया हो गया, आप पूरे को ही मैं इरेज कर देता हूं। ये इंडेक्स थी, ये बहुत काम आती है, वॉइस में भी काम आएगी, यानी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में भी और नरेशन में भी, दोनों में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये प्रोनाउंस की। और बहुत आसानी भी रहती है इनको चेंज करने में, तो अच्छे से एक बार समझ में आ गया तो बार बार नहीं भूलोगे आप। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, ही सेड टू मी, आई राइट ए लेटर, ये कोई एग्जाम्पल लिया मैंने, ही सेड टू मी आई राइट ए लेटर। हम देखो पर्सन्स किस प्रकार चेंज, प्रोनाउंस का चेंज किस प्रकार या पर्सन्स का चेंज किस प्रकार होगा। ही सेड टू मी आई राइट ए लेटर, इसको चेंज करेंगे, यानी ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। किसका? डायरेक्ट का। हम बदलेंगे इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सबसे पहले ही ऐसे कैसे, अब सेड टू है, मैंने बताया कि सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? टॉल्ड में। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया गया है टॉल्ड। अब ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे, अभी प्रोनाउंस की जो इंडेक्स थी उसमें देखो ऑब्जेक्ट है ना मी, और मी को हम ऑब्जेक्टिव काज में ही रखे थे, तो ये मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ही टॉल्ड मी कनेक्टिव वर्ड, इसमें सिंपल सी बात है, दैट का प्रयोग किया जाता है असर्टिव सेंटेंस में। कनेक्टिव वर्ड जब इनवर्टेड कॉमास को हटाते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखना आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा? फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन। अब देखो आई वाले इंडेक्स बनाते हैं, यानी आई ये सब्जेक्टिव था, मी ऑब्जेक्टिव था, और पजेसिव की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? माई आ जाएगा। ठीक है, इसको नीचे बना लेता हूं मैं।
आई, मी और माई, ये सब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव था और ये पजेसिव था। अब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन एस ओ एन बटा 123। अब देखो फर्स्ट पर्सन किसको देखकर बदलेगा, सब्जेक्ट को देखकर बदलेगा, यानी जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट। अब ये आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट क्या है इसका, ही को देखकर बदलेगा। अब इसके नीचे क्या, ही की इंडेक्स बनाएंगे, ही हिम हिज। अब बात करें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, पजेसिव की बात नहीं हो रही, तो इसको तो हम देखेंगे ही नहीं, इसको तो देखना ही मत। अब बात करें किसको चेंज करना है, आई को, आई को चेंज करना है क्योंकि ये यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्टिव काज है, ये ऑब्जेक्टिव काज है, तो आई को चेंज करना है किसमें, किसको देखकर, ही को देखकर चेंज करना है, यानी ही को देखकर चेंज करना है आई को। अब यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा या सब्जेक्ट आएगा ये हम देखेंगे कि आई, अब क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही आना चाहिए यहाँ पे, ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, तो आई किसको देखकर बदलेगा, ही को, यानी ये आई है और आई के नीचे हम ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की क्या बना दी, इंडेक्स बना दी, ही वाली, तो आई के स्थान पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, क्योंकि ही यहाँ पे क्यों आया, ये हिम क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट ही आना चाहिए, यदि ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आता, लेकिन सब्जेक्ट है आई यहाँ पे, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट ही आना चाहिए, तो आई के स्थान पर क्या आ जाएगा, ही, यानी सब्जेक्टिव वाली लाइन में, इस सब्जेक्टिव वाली लाइन में क्या है, आई के नीचे क्या आएगा, ही आएगा, तो इस आई की जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ही। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ये पास्ट सिंपल में, तो ही रॉट ए लेटर, ये आपका क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच में नरेशन हो गया, यानी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदल दिए, चेंज कर दिए कि ही सेड टू मी आई राइट ए लेटर, तो ही का ही, सेड टू को टोल्ड में, मी ऑब्जेक्ट ऐसे कि ऐसे, इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग, और आई फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट को देखकर बदलता है, यानी ही को देखकर बदलेगा, और ही को देखकर बदलने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई सब्जेक्टिव है और सब्जेक्ट ही यहाँ आना चाहिए, तो सब्जेक्ट आई के वाली लाइन में, यानी सब्जेक्टिव वाली लाइन में आई के नीचे क्या आता है, ही आता है, ये जरूरी नहीं बीच में यू भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात करें सब्जेक्टिव वाली लाइन में ही कहाँ आता है, तो ये ही ऐसे कैसे लिख दिए और राइट की जगह रोट कर दिए, क्यों, ये टेंस के बारे में आने वाले समय में करवाएंगे, यानी नेक्स्ट क्लासेस में हो जाएगा ये कि राइट की जगह रॉट क्यों हुआ और ए लेटर ऐसे कैसे, यानी ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसके द्वारा हम समझते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है ये और अच्छे से समझ में आ रहा होगा शायद। देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम सेड टू मी राम सेड टू मी शी वाज ब्यूटीफुल, कि राम सेड टू मी शी वाज ब्यूटीफुल, ये कोई इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में क्या है, सेंटेंस है, शी वाज, दोनों थर्ड पर्सन होंगे, दोबारा एक मिनट सॉरी, इसको मैं दोबारा राइट करता हूँ। चलो आई कुक फूड, ये कोई ले लिया छोटा सा कि आई कुक फूड, कि राम सेड टू मी आई कुक फूड, ठीक है, ये राम ऐसे कैसे, सेड टू को टॉल्ड में, मी ऐसे कैसे, कनेक्टिव वर्ड दैट। अब देखो ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसको देखकर बदलेगा,
ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को देखकर, तो सब्जेक्ट को देखकर बदलेगा, तो आई मी और माई। अब राम है यहां पे, नेम है तो नेम को, अब नेम कौन सा है, ये फीमेल है मेल, ये मेल है, क्या है मेल है, तो मेल ही को दर्शाते हैं, यानी मेल को दर्शाने के लिए ही का प्रयोग करते हैं, तो ही के स्थान पर यहां राम की जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो ही यदि यहां पे शी, यहां पे प्लस सिंगुलर होती, या यहाँ पे सीता होती, क्या होती, कोई सीता होती यानी फीमेल होती, तो यहाँ पे क्या आ जाता, शी आ जाता। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, मेल है, इस कारण यहाँ पे क्या लिखा हमने, ही, तो ही। अब ये कुकड फूड, बिल्कुल आसान तरीका है, यदि अच्छे से समझोगे तो। ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, राम सेड टू मी आई कुक फूड, तो राम टोल्ड मी दैट ही कुक्ड फूड। देख, ये था नरेशन का पार्ट जिसमें हम प्रोनाउन संबंधित जो चेंजेस थे, किस प्रकार चेंज होते हैं, उनके बारे में पढ़े। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे, टेंस संबंधित जितने भी चेंजेस थे वो नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और आने वाले समय में आपकी क्लास अच्छी होगी, क्योंकि टेंस बहुत बार कंफ्यूजन में रहता है कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंजेस होगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।